हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की ये वीडियो हमारी प्रीलिम्स 2023 की सब्जेक्ट वाइज रिवीजन सीरीज में लास्ट वीडियो होने वाली है, जहां हम डिस्कस करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को आप कैसे टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कवर कर सकते हो सिर्फ 4 डेज में विद द कंप्लीट डे वाइज प्लान। ठीक है, तो देखो, जब भी इस टॉपिक के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक डायलमा आता है, हम एक कन्फ्यूजन फेस करते हैं। पहला तो ये कि क्या हमें इसको पूरा ही छोड़ देना चाहिए, बिकॉज अगर आप रिसेंटली क्वेश्चंस देखोगे तो उनका लेवल काफ़ी टफ होता जा रहा है ईयर बाय ईयर। एट द सेम टाइम इसका कोई प्रॉपर कंपाइलेशन नहीं है, मार्केट में मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड टू मच इन्फॉर्मेशन है रिटेन करने के लिए। तो वहीं दूसरी जगह हमारे मन में एक सेकेंड थॉट ये भी आता है कि अगर हमने इसकी एक प्रॉपर रीडिंग कर ली, एक बार अच्छे से रिविजन कर लिया, तो क्या पता हमारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएं जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हैं, और अगर आपके थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस बनते हैं तो ऑब्वियसली आप बेटर प्लेस्ड होगे कंपटीशन में। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, दैट यू शुड नॉट मिस एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीटली। ठीक है, आपको कंप्लीटली इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रीजन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप यहाँ स्क्रीन पे पिछले लास्ट 4 ईयर्स का डेटा देखोगे तो हिस्ट्री से टोटल अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो नियर अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 11 to 12 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ एंशियंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए हैं। एंड आर्ट एंड कल्चर में भी इस तरीके से पूछा गया है कि अगर आपको एंशियंट मेडिवल का नॉलेज था तो आप आर्ट एंड कल्चर के उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। ठीक है, इसलिए आपको ये पोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज आप देखो अगर एग्जाम में अगर आप इस पोर्शन को छोड़ के जाओगे ना तो अल्टीमेटली आपके पास जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए अवेलेबल होंगे वो आपके 10 से 12 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, यानी कि आप सिर्फ 88 to 90 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। एंड एट दिस टाइम जब कॉम्पिटिशन का लेवल काफी बढ़ रहा है, कट ऑफ कम होती जा रही है, तो ऐसे एरिया को मिस करना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे डे वाइज प्लान के साथ कि कौन सा स्पेसिफिक सोर्स है जो आपको इसके लिए फॉलो करना है एंड कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का ये चार्ट है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर किया था टू नो कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी एरियाज जो बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो उसी का एक छोटा सा लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देखो, स्टार्ट करने से पहले एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्रोनोलॉजी या टाइमलाइन का बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ इसी बेसिस पे आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि टाइमलाइन के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मैं टाइमली आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री दोनों पर ही अलग अलग सेपरेट टाइमलाइन वीडियोस लेकर आऊं। ठीक है, बाकी टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ना है, टर्मिनोलॉजीज कवर करनी। टर्मिनोलॉजीज के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक PDF टेलीग्राम चैनल थिंक बेसिक फोक्स पे शेयर की हुई है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो बिल्कुल कंप्लीटली सफिशियंट है टर्मिनोलॉजी वाले एरिया के लिए। देन आपको हरप्पा एंड वैदिक पीरियड पढ़ना है, फिलोसफी कवर करना है, बुक्स एंड ऑथर्स को फोकस करना है, ट्रैवलर्स को फोकस करना है, एंड लास्ट आर्ट एंड कल्चर की जो डेवलपमेंट हुई एंशियंट हिस्ट्री में वो आपको कवर करनी है। वहीं अगर मेडिवल हिस्ट्री में बात करूं तो देन अगेन टर्मिनोलॉजीज पढ़ना है, जो अगेन मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे। देन आपको क्रोनोलॉजी टाइमलाइन पढ़ना है, ट्रैवलर्स एंड कोर्ट पोएट्स पढ़ने हैं, ठीक है, भक्ति एंड सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ना है, रिसेंटली इनसे क्वेश्चंस आने लगे हैं ज्यादा। देन विजयनगर एम्पायर, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। एंड हाँ, इन 3 एम्पायर से आपको स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे, कैसी इकोनॉमी थी, कैसी सोसाइटी थी, एंड आर्ट एंड कल्चर में क्या डेवलपमेंट्स हुए, ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोस्ट प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो इनके इस पूरा सब्जेक्ट, तो कम से कम इन 7-8 टॉपिक्स को तो पढ़ के जरूर जाना। और हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहां मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आप आर्ट एंड कल्चर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो एंड कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसके लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो इनकेस अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा हो, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इसको देख लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डे वाइज प्लान पर। डे वाइज प्लान में हम एंशियंट हिस्ट्री को सबसे पहले कवर करेंगे, इसलिए डे 1 पर आपको एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज से लेके मॉडर्न पीरियड तक पूरा कवर करना है ये पोर्शन। देन इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं कम से कम 10 to 15 years के। यस, 10 to 15 years के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, बिकॉज आई हैव एनालाइज कि जो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था उसी का ही सिमिलर फॉर्म या एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से वो क्वेश्चन आपका 2020, 2021 में भी पूछा गया है। एंड एक और चीज जो मैंने एनालाइज
करी है एंशियंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में, कि जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं ना आपको क्वेश्चन के अंदर, तो उन ऑप्शंस में भी आपको फोकस करते चलना है, आपको उन ऑप्शंस के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज ये मैंने एनालाइज किया कि कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में पिछले साल के जो ऑप्शंस आए थे उन्हीं पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपको PYQs को कैसे करना है। ध्यान रखना 10 से 15 साल के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, एट द सेम टाइम उन सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे भी फोकस करना है, आपको चारों ऑप्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। देन कमिंग टू प्रैक्टिसिंग मॉक्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 3 से 4 टेस्ट लगाने हैं, ताकि आपके एंशियंट हिस्ट्री में आप टोटल 150 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर ही लो, एंड सेम गोज फॉर मेडिवल हिस्ट्री एज वेल। ठीक है, अब डे टू पे क्या करना है ये समझ लेते हैं। तो देखो, आपने पिछले डे वन पर मौर्यन पीरियड तक कवर कर लिया था, अब आपको यहाँ पे पोस्ट मौर्यन या प्री गुप्ता से लेकर के टिल पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि डेथ ऑफ हर्षा तक कंप्लीट करना है। देन अगेन आपको वही सेम चीज फॉलो करनी है, PYQs में 10 से 15 साल के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी ऑप्शन उसको कवर करना है, एंड देन आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs फ्रॉम 3 to 4 टेस्ट। ध्यान देना, आपको एंशियंट हिस्ट्री में कम से कम 150 क्वेश्चंस इन टोटल प्रैक्टिस करने हैं अपार्ट फ्रॉम PYQs। ठीक है, एंड हाँ, यहाँ पे मैंने लास्ट 10 इयर्स के एंशियंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को इलैबोरेट किया हुआ है कि टॉपिक वाइज किस ईयर में किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। अब बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। तो देखो, मेडिवल हिस्ट्री पे डे वन पे आपको अर्ली मेडिवल पीरियड से स्टार्ट करना है, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा से लेकर के आपको दिल्ली सल्तनत तक कवर करना है। अगेन PYQs में आपको वही तरीका अपनाना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 10 to 15 ईयर्स के PYQs प्रैक्टिस करने हैं, फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी ऑप्शन। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 3 से 4 टेस्ट लगाने हैं, अगेन विद द सिमिलर अप्रोच कि आपके मेडिवल हिस्ट्री में टोटल 150 क्वेश्चंस तो मिनिमम प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप उनके सॉल्यूशंस में ही इतना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इतनी ज्यादा चीजें आपको पता चल सके, ताकि आप एग्जाम में आंसर कर सको। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाओ ऑप्शंस को, एंड देन आप आंसर वहां पे मार्क कर सको क्वेश्चन का। डे टू पे आपको क्या करना है, देखो लास्ट में आपने दिल्ली सल्तनत तक कवर कर लिया डे वन पर, तो मेडिवल में डे टू पे आपको मुगल्स, मराठास, रीजनल स्टेट्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स कवर करने हैं। रीजनल स्टेट्स में भी आपको विजयनगर एम्पायर पर खासकर ध्यान देना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, एंड दिल्ली सल्तनत से भी आते हैं। ठीक है, PYQs के लिए वही सेम अप्रोच रखनी है, MCQs के लिए भी वही अप्रोच फॉलो करनी है। यहाँ पे भी मैंने लास्ट 10 इयर्स में मेडिवल हिस्ट्री में टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज किस चीज पे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा ये चार्ट मैंने अपने लिए बनाया हुआ था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अटैच किया हुआ है पूरा हिस्ट्री का, आप चाहो तो वहां पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। अब लास्ट में बात कर लेते हैं रिसोर्सेज को लेकर के, आपको क्या फॉलो करना है एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए, तो वो एक बार यहाँ जल्दी से समझ लेते हैं। देखो, अगर आपने इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपने जो भी रिसोर्स फॉलो किया है, चाहे ओल्ड NCERTs करी हूँ या तमिलनाडु बुक करी हो या कुछ और भी पढ़ा हो, तो आपको रिसोर्स अब चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, आप बस वही रिवाइज करो। ठीक है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं सभी के सभी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कुछ कम है किसी में कुछ ज्यादा है, बिकॉज देखो जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आपको कोई भी गारंटी ये नहीं दे सकता कि बस इस बुक को पढ़ लो यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो आपने जो रिसोर्स फॉलो किया है वो आप करो, ध्यान ये रखना है कि आपको 150 क्वेश्चंस इन बोथ एंशियंट एंड मेडिवल ईच आपको कवर करने हैं अपार्ट फ्रॉम PYQs। ठीक है, एंड इन केस अगर आपने इस सब्जेक्ट को एंशियंट मेडिवल को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है प्रिपेयर करना, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जो तमिलनाडु की क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है आप बस उसको पढ़ो, उस एक बुक में आपका पूरा ठीक से सारी चीजें कवर की हुई हैं। देन अगेन आपको उसके बाद प्रैक्टिस करना है उसी तरीके से जो मैंने आपको डे वाइज यहाँ बताया है एंशियंट एंड मेडिवल के लिए। तो आई होप अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या अप्रोच रखनी है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने के लिए 4 दिन में, डे वाइज कैसे फॉलो करना है एक एक चीज, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सा रिसोर्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 2022 की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट लेकिन आप देखो 14 में से 10 क्वेश्चंस सिर्फ इस एरिया से थे। एंड हाँ, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी जो रिवीजन वीडियो थी वो अभी मिस कर दी हो, इन केस नहीं देखी हो, देन यू कैन रेफर दैट टू, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिला हो, थोड़ा बहुत भी प्रोडक्टिव लगी हो वीडियो आपको ये अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।